थैंक यू विवेक जी एंड निर्मल जी एंड द टीम. मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पॉसिबल करना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. थैंक यू सो मच. क्या बात हो. All these words are coming from great experiences. All right, moving on to the next person who's going to receive the Bharat Samman felicitation is a very old and very favorite Madhav ji, who's already on stage with us. Can I request everyone to please put your hands together for him, also known as Acharya ji. मुझे आज डॉक्टरेट की डिग्री जो हॉनरी होती है वो सॉर्बन इंस्टीट्यूट है, जो एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर एक डॉक्टरेट की दे के एक इज्जत बख्शी है मेरे बारे. और मेरे को मुझे जो ये लग रहा है कि आदमी को चाहे जो भी चाहे करना चाह सकता है, अचीव कर सकता है, वो कर सकता है. और शायद मैं एजुकेशन नहीं ले पाया, पर आज मुझे डॉक्टर बनने के लिए फ़ख्र हो रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को, मेरे पोतों को ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू अचीव इट. थैंक यू सर. आपने बोला पढ़ाई नहीं करा, लेकिन आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, आप गिने चुने लोगों में आपकी गिनती आती है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है और दिमाग सबसे बड़ी जो है. सर बिजनेसमैन की बात अलग है, क्योंकि क्या है, रुपया लगाया, रुपया कमाया, बट उससे ज़्यादा जो है मेहनत की है, और मेहनत करके आज इस यहाँ तक पहुँचे वो बहुत बड़ी चीज़ है. देखिए, एक्चुअली हाँ, कहा जाता है कि हर इंसान की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई एक औरत होती है, एंड शी स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड विद मी एक्चुअली, और बिसाइड मी, सॉरी नॉट बिहाइंड. और दूसरी बात यह है कि देखो, शी इज़ अ बेटर हाफ, मीन्स आज के सारे अवार्ड भी बेटर हाफ मीन्स बेटर हाफ में चले गए. क्या कहना चाहेंगे सर? डिजर्व करते हैं, जो उनका ड्रीम था, जो उनका सक्सेस है. अप्रिशिएट, इट्स माय हॉनर, इट्स माय क्या कहें, ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय हस्बैंड. दैट्स इट. कितना प्राउड करते हैं आप, वेरी मच. कामयाबी जो यहाँ तक है, वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच प्राउड ऑफ हिम, वेरी मच प्राउड. किन्नी जी का नाम कुछ खास बिजनेसमैन में आता है मुंबई की अगर बात करें, सिख कम्युनिटी की अगर बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि एक नीचे से उठे, जमीन से उठे, आप सब बोलते हैं अपनी कहानी जो है, स्ट्रगल की जो जिंदगी है यहाँ तक पहुँचा. सी, इन्होंने जो लाइफ देखी है और उन्होंने जो वैल्यू किया है, उन्होंने जो हार्डशिप देखी है, और जो उनका दिल है इज सो डाउन टू अर्थ, और जो वो सोसाइटी के लिए करते हैं, वो बहुत बड़ी एक, हर किसी को रब ने ये नहीं दिया है, जो इनको रब ने दिया है वो करते हैं, जो उनको मिलता है उतना ही वो अपनी सोसाइटी को गिव अप करते हैं. दैट्स अ बिगेस्ट थिंग, यू नो, वी कैन से दैट्स इट. टिमी जी, आपकी पूरी फैमिली को चाहिए, बेटा क्या कहना चाहेंगे My dadu is very respectful to the whole society, and yeah, we all love him a lot because he can do anything for our family. आप बोलो जान. My dadu, I love my dadu. He's the best from my family, and I really love him. We love him. रोहन आप बोलो. सबने तो बोलो. जोर से, जोर से. बीच में आओ, बीच में. बीच में आओ, कम आओ. क्या कहना चाहेंगे आज आपके दादू? दादू को जो अवार्ड मिला है आज, इसके बारे में मैम आप ही साथ में. मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ दादू से. और बोलो, और बोलो, कुछ बोलो. डॉक्टरेट बन गए हैं, जो पहना है अभी, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कुछ पता नहीं. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सर. आगे क्या चल रहा है अभी, आगे अगर बात करें? देखिए, अवार्ड्स और ये तो सब आते रहते हैं, चलते रहते हैं. बात ये होती है कि अपने आप को
इस्टेब्लिश करना, रहना और आगे हमेशा किसी भी तरीके से कोशिश करते रहना कि आगे रहें और काम करते रहें, सोशल भी होवे चाहे बिजनेस भी होवे। कोविड की वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, बट टचवुड वाहेगुरू ने और आगे सपोर्ट दिया और फिर से आगे दोबारा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। सर बहुत कम लोगों को पता है आपने पूरा बिजनेस ही कोविड के दान कर दिया, कोविड पेशेंट का पूरा होटल था बहुत बड़ा, उसको पूरा कोविड पेशेंट के लिए बना दिया था, आपने क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये तो क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी हमें दिक्कत आई थी कि बिकॉज रूम से तो हॉस्पिटल बनना ही था ऑटोमेटिकली हमारा होटल का, और हमने उनके लिए भी उस टाइम भी काफ़ी सफाई की। सोनू सूद जी भी हैं, मैं उनके साथ भी काफ़ी उसमें, आप शायद वीडियो भी देख पाएंगे या गूगल पे भी आप देख पाते हैं, यूट्यूब पे देख पाएंगे, सोनू सूद जी के लिए साथ में मैंने काफ़ी कोविड में काम किया। अचीव करता है किसी भी क्षेत्र में किसी फील्ड में, और जब उसको रिकॉग्नाइज करा जाता है बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। टिमी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? टिमी जी जो सोशल वर्क करते हैं उसके बारे में। टिमी जी जो सोशल वर्क करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करने के लिए करते हैं, टिमी जी जो करते हैं दिल से करते हैं, निस्वार्थ करते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा या मेरे को कौन सी PR मिलने वाली है या मुझे कहाँ पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है या एज मिलने वाला है। तो इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे इन कर्मों के आगे, इन जो एक कृत करते हैं उनके आगे मेरे बहुत छोटे शब्द पड़ जाएंगे। टिमी जी का जो जहाँ तक मैं अपने एक पर्सनल व्यूज देना चाहूँगा, ये डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनली भी ही इज़ क्वाइट फेमस, बिकॉज आई रिमेंबर अमंग फ्यू ऑफ पीपल जब लोगों ने एग्जाम्पल दिया टिमी जी का कि भाई इस तरीके के सोशल वर्क कोई हमारे ऐसी कम्युनिटीज़ से हैं, तो जब नाम रिकॉल हुआ टिमी जी, तो टिमी जी का अपना एक रुतबा और जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ है वो देश में नहीं विदेशों में भी काफ़ी चर्चित हैं। श्री हरविंदर पाल टिमी मेहता इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, इनके डिक्शनरी में नो ऐसा नहीं है कभी, अपॉर्चुनिटीज़ और हेल्पिंग नेचर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस थिंग्स इन हिम। डॉक्टर और डॉक्टरेट गिवन टू हिम इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स मोर ऑफ गिविंग हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही विल शोल्डर एंड आई विश हिम गुड लक फॉर द सेम। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे आपको डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली इसके बारे में? मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मुझे यूनिवर्सिटी ने एग्जीक्यूटिव डिग्री दी है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है हम जैसे यंग एंटरप्रेनर्स के लिए जो कि मेक इन इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज जो ये चीज़ें ऑनर होती हैं इसे हम और अपना काम बढ़ा सकते हैं और इंडिया को और मेक इन इंडिया बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज हमें ये ऑनर दिया है, मुझे एक ये ऑनर दिया, अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू। आज के अवार्ड सेरेमनी के बारे में क्या कहना चाहिए? Sir, it's a big honor to Mr. Harvinder Pal Singh. Now I can call Dr. Harvinder Pal Singh to me. It's a big honor and really, but he deserves it because of his what he has given, his contribution to the society, to the business, and he is an inspirational force for upcoming new generation of the government of India. He will be an inspiration for upcoming generations, and they will be it's an inspiration for India, because he has given a new lifestyle and he has shown and how one can start from zero, because he has started his career from zero. Now where he is, he's ready, he deserves it, what he has been awarded with. Thank you. सबसे पहले टिमी जी आपसे जानना चाहेंगे, परिचय जो आपकी बॉडी में करे, आप हाइट से ज़्यादा दिख रहे हैं। सर अगर आप देखा जाए तो हर फादर चाहेगा कि उसका जो बेटा है उसकी हाइट उसकी बिजनेस में हमेशा ऊंचाई रहे और ऊंचा करने की कोशिश करेगा। तो ऑलरेडी ब्लेस विद देम विद अ गुड हाइट आल्सो, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे? पापा को मिला है अवार्ड, मिला है डॉक्टरेट का, ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। हाँ सो एक्चुअली आई कांट बी मच प्राउड सन, लाइक आई गॉट अ फादर लाइक हिम एंड इट्स लाइक अनदर फेदर इन हिज कैप, and as always we are very proud of him and may God give him like more awards like him, more recognition like him. Aur kuch kehna chahenge aap iske alawa? Aaj kitna khushi ka din hai, puri family aayi hai yahan par. Yeah, so all my kids with my brother, my bhabhi, my wife, everybody is here and it's a very special event and
We are very honored and very proud of him. Very, very proud. Super proud. Thank you. You can ask me in English. Yeah. Sir, English, English. Thodi English bol dijiye. Yeah. So I would like to say that I know Mr. Mehta from more than 30 years now, from the time he was into real estate, into a time where he was delivering cassettes. I've seen his rise, but even success has not made him proud. He's a very humble, very down-to-earth person, and he's been a wonderful friend. And I can say that he has worked very, very hard to reach where he is today in life. Thank you,